तो स्वागत है आपको फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे क्रैंक को लेकर। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमने गियर बॉक्स बढ़ाया था, तो चलिए तो अब बढ़ाते हैं इसमें क्रैंक असेंबली को, जो कि यहाँ पे आप देखो तो क्रैंक असेंबली पड़ी हुई है, ठीक है। और क्रैंक असेंबली बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये आप देखो, ये इसका जो बैरिंग है कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो इसका जो बैरिंग है कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो, और इसमें लगा होता है ये बूथ, ठीक है। तो जब भी आप इंजन बांध रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार इसको बूथ को अच्छी तरीके से होल्डिंग करके लगाएं हमेशा, और ये वाला बैरिंग हमेशा फ्री होना चाहिए। अगर इसमें हल्का सा भी रगड़पन होगा तो ये क्रैंक फिर से आवाज करनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो, जब भी आप इंजन बांध रहे हो तो ये बैरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंजन डालना बहुत जरूरी है। चलिए इसको फटाफट से हम यहाँ पर क्रैंक को बिठाते हैं। ये देखो, ये क्रैंक है, ये जो क्रैंक है अपनी, ये क्लच वाली साइड है और ये है मैग्नेट वाली साइड। जो क्लच वाली साइड है वो आएगी नीचे की तरफ, तो चलिए मैं आपको बिठाता हूँ। और बिठाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये जो है इसको हमेशा बैलेंस आपको हिला के बढ़ाना चाहिए। अगर ये ऐसे होगा तो बैठेगी नहीं, हमेशा कुछ इसको इस तरीके से रखें। और आप देख सकते हो जो क्रैंक है वो कितनी प्यार से बैठ गई यहाँ पर, देखिए ये देखो। और हमेशा इंजन ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें आप, क्योंकि इंजन ऑयल साफ़ होगा तो आपका जो इंजन अंदर से क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने बैरिंग में होल्डिंग कर रही है, ठीक है। तो चलिए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी क्रैंक बैठ चुकी है, अब इसके अंदर लगाते हैं मेन चैम्बर की पैकिंग, जो कि इसमें नहीं होती है, तो इसमें लगी यहाँ पे बॉन्ड और फिर लगाते हैं सीधा सर चैम्बर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर बॉन्ड लगा लिया दोस्तों। बॉन्ड ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगानी चाहिए। बहुत से मैकेनिक ज़्यादा बॉन्ड लगाते हैं तो उससे नुकसान ही होता है। तो चलिए दोस्तों, ये चैम्बर आपको दिख रहा है, चलिए मैं फटाफट को लगाता हूँ और सीधा मेन चैम्बर को फिट करते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो चैम्बर ये बैठ चुका है, और चैम्बर जब भी बैठाते हैं तो हमेशा इस वाले हथौड़े का इस्तेमाल करें, हमेशा लोहे का जो हथौड़ा उसका इस्तेमाल ना करें। ये देखो, इससे क्या होगा, आपके जो चैम्बर है इस पर चोट भी ज़्यादा नहीं लगी और इंजन आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। चलिए दोस्तों अब लगाते हैं इसी आगे मेन चैम्बर के बोल्ट। अब बात करते हैं इसके बोल्टों की। अब बोल्ट देख के इतने सारे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ये देखिए तो कौन सा बोल्ट कहाँ का, वो कैसे पहचानें। दोस्तों जैसे आप देखो, ये बड़े वाले बोल्ट जो हैं ये लगते हैं यहाँ पे, ये किधर आएगा बड़े वाला, और एक इधर आएगा, और एक इधर, चार पाँच छः सात, टोटल सात बड़े बोल्ट रहेंगे, जो कि एक दो तीन चार पाँच, पाँच लगेंगे अपने मैग्नेट में और दो लगेंगे एक इधर और एक इधर, और बाकी बचता छोटे वाले जो बोल्ट है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ये आएंगे बाहर की तरफ, जितने बाहर आइए। दोस्तों आपको नट बोल्ट से कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं इसके बोल्ट को, टाइट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 10 नंबर के जितने बोल्ट हैं सबके सब पूरा टाइट हो चुके हैं, जैसे आपको आपको नज़र भी आ रही है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये है इसमें तीन पत्तियाँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मॉडिफाई वाले ने अलग से पत्ती काट के लगा दी है, देख लो अभी अलग से दिख रही है। दोस्तों ये कहाँ लगते हैं, चलिए आपको वही बताता हूँ। आप देख लो बैरिंग, और बैरिंग के अंदर एक कट है, ठीक है, उस कट में ये जाके कुछ इस तरीके से ये फंसती है, बैरिंग में कट में नहीं फंसेगी, ये लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पहले अच्छे तरीके से इसको फंसा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो ये पत्ती के बोल्ट से तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे लगा लिए, और ये पत्ती कुछ मुझे मॉडिफाइड की तरह लगी, जैसे कस्टम बाइक बनाते हैं ना, तो कस्टम बाइक में लगती है अलग से पत्तियाँ लगा लेते हैं, कुछ वैसी पत्ती है। और इस पत्ती का काम पता क्या है, इस पत्ते काम ये जो बैरिंग है ना, ये वाला बैरिंग अंदर बैरिंग, इस बैरिंग को होल्ड करते, देखो ठीक है, वहाँ देखिए ये, यहाँ देखो यहाँ पे इस बैरिंग के बीच में गैप है, और ये पत्ती उस गैप में फंसती है, ताकि ये बैरिंग जो है ये अपनी जगह से हिले नहीं, देख रहे। ये कुछ इस तरीके से बनाया है, पता नहीं कि वो तो मुझे मालूम नहीं। चलिए फिलहाल जो था वो तो हमने यहाँ पर टाइट कर दिया, चलो अब फटाफट से टाइट करते हैं। ये जो चैम्बर है वहाँ से पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है, सारे जो नट थे वो लग चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, एक ये यहाँ पे लगता है बसंबा का नट, जो कि ये वाला, ये यहाँ से आ गया, ये देखिए एक बोल्ट इसमें यहाँ से टाइट होता है। चलिए मैं इसको टाइट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपना मेन चैम्बर है ये पूरा का कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा मैंने किस तरीके से क्रैंक बिठाई उसकी, और किस तरीके से जो नट बोल्ट है सारे के सारे आपको पता है कि छोटे बोल्ट कहाँ आते हैं, बड़े बोल्ट कहाँ आते हैं, और चैम्बर फिट होने के बाद भी एक बोल्ट यहाँ भी आता है, ये सारी की सारी आपने सब देख लिया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी मेन टाइमिंग। तो यहाँ पे टाइमिंग मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आएगी गियर शाफ्ट, तो ये देख लो ये कुछ गियर शाफ्ट है कुछ ऐसी, ठीक है। और इसके अंदर लगती है छोटी सी वार्सल, जो कि यहाँ पे नीचे आती है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वार्सल है जो कि गियर शाफ्ट के अंदर होती है, तो चलिए इसको हम लगाते हैं गियर शाफ्ट के अंदर। ये देखिए
ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ये बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। अब सीधा हम इसको लगाएंगे और वही लगाने वाले यहाँ पे इंजन ऑयल जरूर डालें ताकि जो शाफ्ट है वो आराम से चैम्बर में जाए, कहीं भी इसमें रगड़ने के निशान ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये जो गियर शाफ्ट है इसमें बैठ गई, ये देखिए आप देख लो जो गियर शाफ्ट है पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिलाते हैं इसकी टाइमिंग जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिन भाई को नहीं पता इसकी टाइमिंग के बारे में, चलिए आज आपको इस वीडियो की मदद से बैलेंसर शाफ्ट है और इसके अंदर डॉट दे रखा है, ठीक है, और इसके नीचे भी गरारी है, देख लो टाइमिंग क्या दिख रही है आपको, ये दोनों गरारी को मैच होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसकी बात। अब यहाँ पर लगे एक प्राइमरी, इस गियर को घुमाने के लिए प्राइमरी होता है, तो वो ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रही, ये भी एक गियर है, ठीक है, और यहाँ देख सकते हो इसके अंदर भी एक डॉट दे रखा है। ये देखिए ये डॉट और ये वाला डॉट दोनों आमने सामने होना चाहिए। चलिए मैं आपको मिला के दिखा। तो यहाँ पे जो टाइमिंग मैंने मिला ली है, एक बार आप भी देख लो, ये डॉट और ये डॉट देख सकते हो दोनों आमने सामने, देख लो एकदम दोनों नाक की सीध में होना चाहिए। ये देखिए, ये देखो मैंने यहाँ पे जो फ्लैश है बंद कर दी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों जो डॉट है ये आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो टाइमिंग का काम जो होता है कम्प्लीट, अब लगाते हैं इसके अंदर क्लच होजिंग। यहाँ पे क्लच होजिंग लगेगी और क्लच होजिंग लगाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये देखो ये दोस्तों बोस होता है जो क्लच होजिंग में लगता है, उससे पहले ये दराएगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये डॉट है, जो लाइन है, ये ऊपर के आनी चाहिए और इसको बैठा थोड़ा हिलाना पड़ेगा और ये गरारी इसको हिलाओगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा क्लच का काम होता कंप्लीट, टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया, क्लच भी बैठा के दिखा दिया दोस्तों, और यहाँ पे गियर साफ भी लगा दिया। चलिए दोस्तों अब लगाते सीधा इसकी सिलेंडर कट। ये देखिए ये पिस्टन है, सिलेंडर कट को बिठाने से पहले पिस्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाह रहा था इसके बारे एक अलग से वीडियो बनाई जाए लेकिन सोचा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात का अंधेरा हो चुका है, तो सोचा क्यों ना इसी को जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करा जाए। तो दोस्तों बात करते हैं पिस्टन के बारे में, जैसे आपको पिस्टन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये देखो ये है ये पिस्टन है। अब अक्सर दोस्तों पहचान होती है जैसे IN लिखा हुआ है, ठीक है, या किसी में डॉट होता है यहाँ पे, तो उसे पहचान लेते हैं कि पिस्टन कौन सा आगे रखना है, हिस्सा कौन सा हिस्सा पीछे रखना है। सबसे पहले दोस्तों ये देखो ये आपको दिख रहा है वाल के निशान, तो ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला वाल बड़ा है, ये वाला वाल छोटा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा ही होना चाहिए, जो ये वाला जो है वाल बड़ा होता वो होता हमेशा इंटेक का और छोटा वाल होता हमेशा एग्जॉस्ट का, जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप आपको ये पता लग गया होगा कौन सा हिस्सा आगे की तरफ रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ाते हैं सीधा पिस्टन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिलेंडर की तरह बैठ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन को ऊपर ला के। ये देखिए उस तरीके से हम कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, जो पिस्टन ऊपर आके देखो ये सारा का सारा ऑल निकल रहा है। तो हमेशा जब भी सिलेंडर कटाते हो इंजन जरूर लगाएं, भर भर के लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए सिलेंडर कट बैठ चुके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करो और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर।